में आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बाद अब ईरान और इजराइल की जंग भी करीब करीब शुरू हो चुकी है। इजराइल के कब्जे वाले इलाके वेस्ट बैंक के हालात और वहां की तस्वीरों से यह आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और रॉकेट्स और मिसाइलों के अलावा अब फिलिस्तीन के समर्थक पत्थर लेकर भी इजरायली जवानों का मुकाबला करते दिख रहे हैं। देखिए, इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाके में जारी है घमासान। इजराइल के जवानों पर फिलिस्तीनियों का पत्थर से वार। इजराइल की सेना ने किया बंदूक से पलटवार। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है, जो युद्ध की शक्ल ले सकता है। जहां लगातार फिलिस्तीन के लोग इजराइल की सेना को निशाने पर ले रहे हैं, तो इजराइल के जवान भी जवाब देने में आक्रामक दिख रहे हैं, और यहां तक कि उनकी बंदूक से निकली गोली फिलिस्तीनियों की जान भी ले रही है। इजरायली सेना के इस ऑपरेशन में फिलिस्तीन के 15 साल के एक लड़के की मौत का आरोप लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें खुद इजरायल की ओर से जारी की गई हैं, जिसमें वेस्ट बैंक इलाके में इजरायल की सेना ने पूरी तैयारी के साथ एक कैंप को चारों ओर से घेर लिया। इजरायल का दावा है कि एक संदिग्ध आतंकी की तलाश में कैंप में रेड की गई, लेकिन दूसरी ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद सेना ने फायर शुरू कर दिया। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजरायली जवानों की गोलियों से एक निर्दोष लड़के की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। यह उस वक्त हुआ जब इजरायल और फिलिस्तीन के बीच कई इलाकों में पहले से तनाव चरम पर है। ऊपर से इस ऑपरेशन ने आग में घी डालने का काम किया है। इसका रिएक्शन ये हुआ कि फिलिस्तीनियों ने बीता इलाके में इजरायली फोर्स पर हमला बोल दिया। पत्थर फेंके गए और टायर जलाए गए। इजरायली सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े, ग्रेनेड फेंके, लेकिन फिलिस्तीन समर्थक भी अलग अंदाज में रस्सियों में पत्थर बांधकर इजरायली जवानों पर फेंकते दिखे। इस हिंसा में फिलिस्तीन के करीब 190 लोग घायल हुए, जबकि इजरायल के दो जवान भी जख्मी हुए। फिलिस्तीन और इजराइल आमने सामने हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह अलक्सा मस्जिद में इजरायली सेना की एंट्री भी है। एक बार फिर एक ताजा तस्वीर सामने आई है, जिसमें हथियारों के साथ इजरायल की दंगा रोधी पुलिस अलक्सा मस्जिद के कैंपस में तैनात दिखे, और वो भी नमाज के दौरान। इससे पहले भी 5 अप्रैल को मस्जिद के भीतर बड़ा बवाल हुआ था, जब नमाज के दौरान इजरायल की सेना पर मारपीट के आरोप लगे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। जिसके बाद तो इजरायल के ऊपर चारों तरफ से राजनीतिक और बारूदी दोनों तरह से के हमले शुरू हो गए। एक दिन पहले भी सीरिया की जमीन से 6 रॉकेट दागे गए, जिसका इजरायल ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। गाजा के अलावा दक्षिण लेबनान और सीरिया में विमानों से बम बरसाए। हालात ऐसे बन चुके हैं जिससे आशंका है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भीषण युद्ध हो सकता है, क्योंकि जनवरी महीने के बाद से दोनों देशों के बीच संघर्ष में 90 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जबकि इजरायली सेना के 19 जवान भी मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच तनातनी और बढ़ेगी, और अब की बार कई अरब देश भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। इस सिचुएशन में उबाल के कई सारे जियोपॉलिटिकल पहलू भी हैं, पर हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रोज लेबनान और सीरिया से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। लेकिन अब 57 इस्लामिक देशों की अपील के बाद इजराइल पर ईरान सीधा हमला बोल सकता है, और ये हमला ईरान उसे स्पेशल ड्रोन से कर सकता है, जिसे खास तौर से इजराइल के लिए बनाने की बात भी कही जा रही है।
इजराइल और फिलिस्तीन में जंग के नए अध्याय का आगाज हो चुका है। वेस्ट बैंक में ये आग और धुआं मिडिल ईस्ट में तनाव की सबसे नई तस्वीर है। ये पथराव फिलिस्तीन के लोगों ने किया तो जवाब में इजराइल की सेना ने आंसू गैस के गोले और ग्रेनेड दागे। इस झड़प में फिलिस्तीन के करीब 200 लोग जख्मी हुए तो इजराइल के कुछ सैनिक भी चोटिल हुए। इजराइल और फिलिस्तीन में टेंशन का माहौल बीते 4 और 5 अप्रैल से कायम है, जब इजराइल की पुलिस ने यरूशलम के अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुसकर छापेमारी की। वो घटना कैसे अब पश्चिम एशिया में महायुद्ध की वजह बन गई है, कैसे इस वाक्य के बहाने ईरान समेत 57 इस्लामिक देशों ने इजराइल को सबक सिखाने की कवायद शुरू कर दी है, आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप यरूशलम के अल अक्सा में अल केल्बी मस्जिद के सामने का ये मंजर देखिए, जहां हथियारों से लैस इजराइल की पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को फिलिस्तीन के हमलावरों पर दो इजरायली बहनों की हत्या का आरोप लगा तो जवाब में इजराइल ने भी वेस्ट बैंक पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। इस दौरान फिलिस्तीन के मुताबिक इजराइल की गोलीबारी में 15 साल का एक लड़का मारा गया। इजरायली बहनों के कातिलों की तलाश में इजराइल की सेना और पुलिस लगातार एक्शन में है। फिलिस्तीन और इसराइल में दुश्मनी का आलम यह है कि सिर्फ इस साल जनवरी से लेकर अब तक फिलिस्तीन के हमले में 19 इसराइली लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इसराइल के हमले में फिलिस्तीन के कम से कम 92 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले मंगलवार और बुधवार को अल अक्सा वाली घटना के बाद इसराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए तो जवाब में इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया पर पलटवार किया। इजराइल के मुताबिक 9 अप्रैल को सीरिया की तरफ से 6 रॉकेट दागे गए, ऐसे में उसने भी सीरिया को करारा जवाब दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया के मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमला किया। בסוריה פעלנו נגד מטרות איראניות ומול מטרות של המשטר הסורי. משטר אסד כבר יודע שהמחיר שגבינו הוא רק ההתחלה. आपने गौर किया कि इजरायली भाषा में भी बेंजामिन नेतन्याहू ठिकानों को ठिकानियों ही कह रहे थे। वहीं ईरान के कामिकाजी ड्रोन शाहिद 131 और 136, शाहिद 131 एंड शाहिद 136 यूक्रेन में तो कहर बरपा ही रहे हैं, रूस उनका प्रयोग कर रहा है, तो अब ईरान मिराज 532 से इसराइल पर हमला बोल सकता है। ईरान के मुताबिक मिराज 532 को बेहद आसानी से और बहुत जल्दी असेंबल भी किया जा सकता है। आशंका अब यह बढ़ गई है कि सीरिया और लेबनान में मौजूद ईरान के दोस्त और इसराइल के दुश्मन रॉकेट के बजाय ड्रोन से हमले को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में इसराइल का आयरन डोम टेक्नोलॉजी कारगर सिद्ध होगी कि नहीं, देखने वाली बात होगी। इसराइल का दावा है कि सीरिया से हो रहे हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। क्या वाकई अल अक्सा में इसराइल की सेना और पुलिस के दाखिल होने के बाद ईरान और इस्लामिक देशों ने क्या कहा है, उसे जानने से पहले जरूरी है ईरान से आई उस खास तस्वीर को देखना जो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये ईरान का सबसे नया आत्मघाती ड्रोन मिराज 532 है। ईरान के कामिकाजी ड्रोन शाहिद 131 और 136 रूस की तरफ यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। तो अब ईरान मिराज 532 से इसराइल पर हमला बोल सकता है।
मिराज 532 का ये वीडियो खुद ईरान की सेना ने 9 अप्रैल को रिलीज किया। देखिए कैसे चलती गाड़ी से ड्रोन ने उड़ान भरी और चंद सेकंड बाद टारगेट को शोलों में बदल दिया। मिराज 532 पिस्टन इंजन ड्रोन है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। ये ड्रोन 12,000 फीट की ऊंचाई तक 3 घंटे तक उड़ सकता है। मिराज 532 ड्रोन 50 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ उड़ने की ताकत रखता है। ईरान के मुताबिक मिराज 532 को बेहद आसानी से और बहुत जल्दी असेंबल किया जा सकता है। ईरान की तरफ से जारी वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इस ड्रोन को टोयोटा पिकअप ट्रक से लॉन्च किया गया, जिसे देखकर सोशल मीडिया में कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट इस ड्रोन को कार से फायर होने वाली मिसाइल तक करार दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ईरान मिराज 532 के जरिए इसराइल पर हमला करने वाला है? अगर ईरान ने ऐसा किया तो हमले का रूट क्या होगा? खुद इसराइल ने हाल ही में सीरिया और लेबनान के रास्ते ईरान के ड्रोन पर उसके आसमान में घुसपैठ का आरोप लगाया था। ऐसे में अब अगर ईरान ने लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया को मिराज 532 ड्रोन की सप्लाई की, तो क्या हिजबुल्ला लेबनान से कुछ इसी तरह से इसराइल को निशाना बनाएगा, या फिर सीरिया से ईरान का मिराज 532 ड्रोन इजरायली टारगेट को तबाह करेगा? इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब सीरिया और लेबनान में मौजूद ईरान के दोस्त और इजरायल के दुश्मन रॉकेट के बजाय ड्रोन से हमले को अंजाम दे सकते हैं। ईरान के पास इस वक्त 10 अलग अलग तरह के आत्मघाती ड्रोन हैं, जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ रेडार को भी चकमा दे सकते हैं और किसी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह टारगेट को तबाह कर सकते हैं। ईरान के पास अराश सीरीज के सबसे बड़े ड्रोन भी हैं, जो 260 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 2000 किलोमीटर दूर टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं।